Um, casting genius because he has never gone by star power he has never gone by a face he has actually gone by character and merit and um, uh, main, I will take this uh, moment I don't know how many of you have actually visited his office and met him okay so if you go to his room there is a room where you will see there's a there's a brownish wall where um, a are actors came messages who have seen message wala wall. तो उसमें राजकुमार राव है सुशांत सिंह राजपूत है कृति सैनन है टॉप एक्टर्स हु हु स्टार्टेड नथिंग सो मुकेश यू हैव ऑलवेज बीन फॉर पीपल हैव नेवर हैड अ गॉड फादर और आज हमारे जमाने में मतलब हम बहुत बातें करते हैं राइट प्रिविलेज के बारे में आप भी कहीं प्रिविलेज से नहीं आए हो यू हैव बिल्ट इट ऑन योर ओन शुरुआत में कहाँ से पता पता लगा कि नो यू नो यू हैव दैट एबिलिटी टू कास्ट हेलो एवरी वन पहले तो बात आप फर्स्ट हेल्थ से कि मैं स्टार पावर पर बिलीव नहीं करता हूँ टैलेंट पावर पर बिलीव करता हूँ देट मीन आई थिंक आई थिंक जो भी जो भी टैलेंटेड है वो स्टार है और आई थिंक मैं जो भी यहाँ पर हूँ आज इस जगह पर हूँ आप लोगों की वजह से हूँ अगर आप टैलेंटेड लोग नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता एंड एंड मुझे जो लाइक्स है बहुत डायरेक्टर ने कराया जब मैं उनको असिस्ट करता था तो बिकॉज मैं दिल्ली में एन में था तो बहुत सारे लोगों की कास्टिंग में हेल्प करता था तो उन्होंने बुझाया कि यू आर वेरी गुड आइटेड वाई डोंट यू डू इट प्रोफेशनली जब मैं फिल्म के अंदर कास्टिंग में असिस्ट करता था एज असिस्टेंट डायरेक्टर तो वहाँ से ये आइडिया आया और उसके बाद गैंग्स वासीपुर हुआ उसके बाद तो बस कहते ना सबका बदला ले लिया जितने भी एक्टर थे मुकेश ऑफकोर्स आई नो योर स्टोरी यू सडनली केम फ्रॉम नो वेयर बट यू हैड ड्रीम्स Um, हम जैसे लोगों के पास ना जिनके पास बैकिंग नहीं होती सब बोलते हैं बैकिंग नहीं है बैकिंग नहीं है आउटसाइडर है ये पर एक चीज जो um, सबके पास होती है वो है जज्बा और um, सपने राइट right? जब से आपने स्टार्ट किया है योर जर्नी हैज़ बीन लाइक अ ड्रीम टू मैनी ने आपकी जर्नी देखी जर्नी के पीछे के जो ऑब्स्टिकल रहे हैं जो दिन रहे जहाँ पे मुकेश छाबरा को भी रिजेक्शन फेस करने पड़े वो देखे नहीं है हाउ डू यू लुक बैक एट डेज डू यू रिमेंबर आई थिंक अबाउट दोज एवरी डे जिसकी वजह से मैं आज भी काम कर रहा हूँ मुझे डर लगता है कि मैं उन सीम के बारे में दोबारा नहीं सोचूँ इसलिए मैं रोज काम करता हूँ अगर आप कोई शहर में रहना है तो आपको रोज काम करना पड़ेगा का। आप सपनों के बारे में बाद में सोचिए पहले रोज काम करना सीख लो जब आप सुबह उठ के काम पर जाओगे ना सब रास्ते अपना बन जाएंगे <laughs> और रिजेक्शन uh, तो होना भी चाहिए अगर आप रिजेक्शन नहीं होगा तो अगर आप कहीं पहुँचेंगे नहीं क्योंकि लोग तो यहाँ पर बैठे हैं आपको रिजेक्ट करने के लिए ही है ये शहर में आपको वही पहले आपको रिजेक्ट करेंगे फिर आपको ही वही लोग आपको प्यार करके आगे बढ़ाएंगे लेकिन पहले आपको रिजेक्ट करेंगे आपको उसी रिजेक्शन को स्माइल बनाना है अपने स्टैंड बनाना था कि आप आगे बढ़ सको तो। मुझे यही लगता है क्योंकि आ, मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा मिडिल क्लास लड़का यहाँ पर पहुँच सकता है तो कोई भी पहुँच सकता है हम सब वहीं से आए हैं जहाँ से हम सब कहानी वही होगी आज मैं बोलूँगा कि मैं बहुत स्ट्रगल करता था मैं चार आठ लोगों लोग एक रूम में रहता था मेरे पास पैसे नहीं थे आपकी भी कहानी वही है कल को आप स्टेज पर आओगे तो आपकी भी इंस्पायरिंग लगेगी कहानी सबकी सेम होती है जो दिल से सुबह उठ के काम पे जाता है इस शहर में वो पहुंच जाता है जो नेगेटिव हो जाता है परेशान हो जाता है और कि ये तो जान पहचान से मिला होगा इसकी तो कोई जान पहचान होगी मैं किसी का यहाँ पे मौका नहीं मिलता है। ये तो सब कहने के बातें होती है जो कमज़ोर होता है वो दूसरी कमियाँ निकालता है सर दिस इज़ निधि सर मेरा क्वेश्चन है uh, मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ फॉर्चुनेट रही में मुझे चांसेस मिली हैं और टीवी में मैंने ज़्यादा काम किया है मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या टीवी एक्टर्स अगर आगे बढ़ना चाहें फिल्म्स में और सीरीज़ में तो आ, क्या उनको एक अलग तरीके से जज किया जाता है या उनको उतने लेवल का लाइक Importance मिलता है मैं आपको मैं, है। मैं, मैं आपको एक बात आपका सवाल समझ गया मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने एक्टर टीवी के सिंसियर होते हैं ना के भी नहीं होते अगर आप देखो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ शाहरुख सर सुशांत सिंह राजपूत आयुष्मान खुराना फुलके सम्राट यामि गौतम मेनाल ठाकुर मोनी रोय लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी ये सब टीवी से आए हैं विद्या बालन आपकी क्योंकि हमको लगने लगता है कि अरे एक्टर एक्टर होता है एक एक्टर टीवी में भी काम कर सकता है वो स्टेज में भी काम करता है फिल्म भी करता है आपको सब करना चाहिए एक्टर एक्टर होता है आप मेरी पुरानी फिल्मों को उठा के देखिए सबसे ज्यादा एक्टर टीवी से आए तो आप प्लीज उसको पहले थोड़ा सा रिसर्च कीजिए आप देखिए मिनल कितना अच्छा काम कर रही है आयुष्मान कितना सर, अच्छा काम सारे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो एक बात है जो हम ऑडिशन देख के ही आगे बढ़ते हैं दैट इज़ द ट्रू वे टू टू मूव फॉर फॉर एवरी एक्टर तो आई जस्ट नो

वो अपनी सिचुएशन के साथ डील कर रहे होते हैं कुछ लोग डील कर लेते हैं कुछ नहीं करते फे एक्टर फेल नहीं होते हैं होता था फिर तो हम लोग फेल होते हैं एक्टर कभी फेल नहीं होता और ऐसा प्रोफेशन है कि आज नहीं दस साल भाई ऐसा जहाँ पे आदमी रिटायर कभी नहीं होता है आप कभी भी स्टार्ट करते सकते वो फेल नहीं होते वो थक जाते हैं काम की तलाश में थक जाते हैं तो आपको ये ना ये फेल डिप्रेशन सैड एंगजाइटी मैं इन शब्दों पर बिलीव नहीं करता हूँ ये बहुत भारी वर्ड होते हैं हम ऐसे बोल देते हैं फेल बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि फेल नहीं हो है सिचुएशन उसको मजबूर कर देती है

वही जो कार्तिक आरंद वगैरह ने किया सो ऑल आई वॉन्टेड टू से इज नो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज़ प्रेम पारदे एंड आई एम नॉट अ मुंबई का एंड आई एम सिक्स फीट टॉल एंड दीज आर माई प्रोफाइल्स सो द थिंग आई वॉन्टेड टू से इज जब मैं मुंबई आया था सो so, सबसे पहले तो कास्टिंग वगैरह का बूथ चढ़ा होता है तो मैं मतलब ऑटो वाले को कहा था कि आराम नगर में मुकेश छावरा जी का जो ऑफिस है वहाँ चलो एंड वहाँ लंबी भीड़ लगी हुई थी सो so, मुंबई में मेरा सबसे पहला जो इंटरेक्शन हुआ था वो था आपके किसी सिक्योरिटी गार्ड से क्योंकि मुझे ना माइग्रेन आ गया था धूप के वजह से और उन्होंने मुझे पानी वानी ला दिए थे बड़े काइंडली ट्रीट किए थे तो मैं मतलब यार ये तो मुकेश साबरा जी का सिक्योरिटी गार्ड है ये इतने प्यार से ट्रीट कर रहा है मेरे को इतने काइंड लोग हैं मुंबई में तो वो ना एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो गया मेरे लिए एक्टिंग के लिए सो थैंक यू फॉर दैट थैंक यू हाउ स्वीट मेरा नाम ब्रांड सुजा है मैं मैंगलोर मैं से हूँ अभी मेरा करंट लोकेशन मुंबई है सो आई लव इट एक्टिंग के अलावा आप ऐसी क्या स्पेशल uh, क्वालिटीज आप देखते हो एक्टर में जिसका वो सिलेक्शन हो पाए मतलब आप ऐसा क्या देखते हो uh, मैं एक्टर्स नहीं ढूंढता हूँ आपको लगेगा सुन के अजीब सा लेकिन मैं कैरेक्टर ढूंढता हूँ hmm. क्योंकि जो आप सब अलग अलग कैरेक्टर हैं लोग एक्टिव एक्टर ढूंढते हैं मुझे लगता है कि मेरे जो स्क्रिप्ट में कैरेक्टर है मैं एक एक्टर ढूंढता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं ऑनेस्टी ढूंढता हूँ क्योंकि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर पाँच मिनट के ऑडिशन में एक्टिंग नहीं जज कर सकता हम उसके इंटेंशन सोचते हैं कि कितना सही ये कर पाएगा कि नहीं बाकी जो लोग बोलते हैं पाँच मिनट में जज कर लिया सब बेवकूफ बनाते हैं हम सिर्फ आपके इंटेंशन जज करते हैं पाँच मिनट में कितने ऑनेस्टी से आपने किया आप घबराए नहीं है आपका कॉन्फिडेंस करेक्ट है आपने पानी ठीक से पिया आपके सांसें ठीक ठाक चल रहे हैं आप कितने ऑनेस्ट है वही देखते हैं क्योंकि लोग क्या होता है कि आप आने से पहले ही अपने को ओवर इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं अपने आप को हम लोगों पर ज़्यादा इंप्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं जितना नॉर्मल होता है उतना हमें इम्प्रेस करते हैं तो उस पर ध्यान देना कि आप ज़्यादा कोशिश करें इंप्रेस करने की ना कोशिश करें जैसे आप हैं आप पाँच मिनट भी जितना ऑनेस्टी से कर सकते हैं उसको कीजिए बाकी सब भूल जाइए थैंक यू सो मच सर

हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट गिवेन दैट आपके आस पास आप ही के कंटेम्परेज बहुत बार बिना किसी का नाम लिए हुए सोशल मीडिया फॉलोइंगर इन सब पे जाते तो एक ना वो डर बैठ जाता है एस्पायरिंग एक्टर्स जो होना चाहते हैं जो चार लोगों से ऐसे मिल लेते हैं जिन्होंने उनके सर में ये बिठा दिया कि नहीं ऐसा ही होना पड़ेगा कास्ट होने के लिए वन दे बाई द टाइम दे कम टू यू मे बी दे ऑलरेडी हैव दैट फियर इन द माइंड हाउ डू यू डील विद दैट आई थिंक मेरा बैकग्राउंड थिएटर से हैं और मेरे लकली मुझे जो डायरेक्टर मिले बिगनिंग में चाहे वो विशाल भारद्वाज हो अनुराग कश्यप और अनुभव सिन्हा हंसल मेहता राजकुमार हिरानी तो मेरे इम्तिया अली तो डायरेक्टर जिन जो जैसा मेरी स्कूलिंग है उन्होंने मुझे बताया उसका मुझे समझ में आया कि अच्छा एक्टर अच्छा दिखने लगता है तो सीधी सी बात है क्योंकि जब आपका टैलेंट नहीं तो मैंने ऐसे बहुत सारे गुड लुकिंग लोगों को देखा है जो टिपिकली इतने गुड लुकिंग होते हैं लेकिन पाँच मिनट बाद जब एक्टिंग करते हैं यू सेट यू वान यू सेम क्योंकि आज आप विकी कौशल को देखो राजकुमार को देखो मनोरंजन देखो नवाज को देखो पंकज त्रिपाठी कार्तिक आर्यन आशम नो बी टॉक्स लुकिंग एक्टर पीपल क्योंकि हमारे देश में हमको इतना सोशल uh, मीडिया ने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया ना उसको देख के फॉरिंग देख के ऐसे दिखना चाहिए ऐसे दिखना चाहिए ऐसे दिखना चाहिए लेकिन मुझे हमेशा मतलब अच्छा एक्टर होना चाहिए बाकी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है मुझे लगता नहीं कि राजू से घर पर बैठ के इंस्टाग्राम पर देख लो कितने बोले इसको बुला लें <laughs> वो वो बनाएंगे पिक्चर लिखेंगे कि इंस्टाग्राम पर लोगों को देखेंगे ये हमको ही लगता है राजन टेके यहाँ पर उनके राजन टेके के पास टाइम नहीं होता पानी पीने का सोशल मीडिया तो बोल ही जाओ तो ये हमको ही लगता है क्योंकि हमारे आसपास पास चाँद लोगों को बता दिया गया है एजेंसीज ने बता दिया गया कैसे होते हैं कोई नहीं देखता हमारे इंडस्ट्री में इंस्टाग्राम जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं जो काम नहीं कर रहे हो घर बैठ के इंस्टाग्राम देख रहे हैं नमस्ते मुकेश जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सुंदर लग रहे हैं आज मेरा नाम रश्मि सचदेवा शुक्ला है सर और मेरी ये सेकेंड इनिंग है एज एन एक्टर मैं थोड़ा सा एक बेस बनाकर बताना चाहूँगी मैंने जो पहले अपने दौर में एक्टिंग की ऑफ कोर्स मैंने फिल्म्स की और तब टीवी सीरियल्स किए तो हम डायरेक्टली डायरेक्टर से जाकर मिलते थे वही हमें असेस करते थे या ऑडिशंस लेते थे अभी जब मैं सत्रह साल के बाद वापस आई तो दौर बदल चुका है तो मेरा एक ही क्वेश्चन है सर आपसे आपने अभी बातों बातों में कहा कि आप सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर हैं यू हैव लेफ्ट एक्टिंग एंड इमर्ज इन टू कास्टिंग कम्प्लीटली नाउ माई क्वेश्चन इज टू यूज दैट आपके ऑफिस में भी हैं सर हर कास्टिंग एजेंसी में है हर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर यही कर रहा है आज कास्टिंग में सभी इंटर्न्स एसोसिएट्स और असिस्टेंट्स जो सभी वॉनअी एक्टर्स हैं परसेंट उनको ब्रीफिंग समझ नहीं आती है वो ब्रीफिंग समझा नहीं पाते हैं आई टेल यू ऑनेस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पूरी कोशिश करी कि मेरे ऑफिस में जितने भी एसोसिएट हैं वो ठीक से ब्रीफ दें क्योंकि सब कास्ट एक्टर्स नहीं है अन्यू ऑनेस्टली अगर कोई आदमी सर्वाइव करने के लिए किसी कास्टिंग डायरेक्टर को असिस्ट कर रहा है या किसी डायरेक्टर को असिस्ट कर रहा है या किसी को डीए बन रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है पहली बात तो ये क्योंकि सबको शहर में सर्वाइव करना है अगर वो जेनुअली अपना टाइम नहीं वेस्ट करे अगर वो कुछ सीख रहे हैं हाँ अगर वो बार बार अपने आप को कास्ट कर रहे हैं देन आई अंडरस्टैंड exactly. लेकिन वो जेनुअली अगर मेरे ऑफिस में बहुत सारे अच्छे, अच्छे अच्छे एक्टर हैं ऑफिस में जो पंद्रह साल से सिर्फ कास्टिंग कर रहे हैं उन्होंने पंद्रह साल में सिर्फ दो फिल्में करी होंगी या एक सील किया होगा वो गलत नहीं बट आपके पास जो ब्रीफिंग वाली बात है मैं आपको बता दूँ तो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब हम ब्रीफ देते हैं वो ब्रीफ एसोसिएट दें और जो असिस्टेंट ब्रीफ को मैं कभी भी किसी असिस्टेंट इंटर्न को ब्रीफ के लिए नहीं भेजता हूँ सेकेंड बात जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं हमारे देश में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो आ, चाहे वो शानू हो चाहे वो नंदनी हो चाहे कास्टिंग वे हो दे आर सच डूइंग ग्रेट वर्क उनके शोक वो पूरी कोशिश करते हैं जितना काम लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि एक रोल के लिए पचास लोग भी आते हैं बट वी गो थ्रू नो वन नो वन अंडरस्टैंड क्योंकि हर एक्टर को ना अपनी इनसिक्योरिटी ज़्यादा लगती है कि मैं उस उसमें ज़्यादा फिट होती थी हो सकता है हमारे पास डायरेक्टर का कुछ ब्रीफ हो हमें कुछ लैंग्वेज के बारे में बोला गया हमें कुछ एज के बारे में बोला गया हमें कुछ उसकी किस तरह से उसकी पर्सनलिटी चाहिए वो बोला गया हो क्योंकि एक्टर को लगता है कि हर रोल में वो फिट होता है ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि बीस साल से लेकर तीस साल के बीच में पचास लाख लड़के लड़के हैं शहर के अंदर हैं सबका अलग अलग बिहेवियर है सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है सब अलग तरीके से बात करते हैं सब अलग लैंग्वेज बोलते हैं सब अलग शहर से हैं सबका अलग सोशल स्टेटस है हमारी कहानी क्या डिमांड कर रही है गुजरात में सेट है राजस्थान में सेट है बंगाल में सेट है गोवा में सेट है अमेरिका में सेट है लंडन में सेट तो है तो अलग अलग कहानियाँ सेट हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चुनते हैं आपको लगता है कि ये बहुत ईजी काम है बिल्कुल भी नहीं है बट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड आई विल मेक श्योर कि थ्रू दिस आपका पहली बात तो बहुत अच्छा सवाल था आई विल मेक श्योर कि जितने भी मेरे कास्टिंग डायरेक्टर दोस्त हैं जो बहुत अच्छा काम करें उन तक भी ये हूं कि, कि किसी इंटर्न को और न्यू कास्टिंग असिस्टेंट को ब्रीफ के लिए ना भेजें क्योंकि वो गलत ब्रीफ देंगे तो एक्टर गलत ऑडिशन करेगा फिर हम उसको मिस जज करेंगे डायरेक्टर मिस जज करेगा आई विल टेक योर सजेशन एंड जनरली मेक श्योर इनकॉपरेट इन माई बिजनेस अगर आपके पास कोई एक्टर आया और वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट करे एक्टर वो बहुत अच्छा है लुक में फिट नहीं हो रहा है तो आपका प्रोसेस क्या होगा क्या आप उसको एंटरटेन करेंगे <laughs> <laughs> नहीं मैं एंटरटेन तो हर एक्टर को करता हूँ क्योंकि कोई भी अगर वो एक एक्टर उसमें फिट नहीं हो रहा है तो कि वो कहीं और फिट नहीं होएगा हम अच्छे एक्टर का एक फोल्डर बनाते चले जाते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हर आदमी अच्छा एक्टर होता है बट कास्टिंग ख़राब होती है तो गलत लगने लगता है तो हम क्या करते हैं कि अगर एक्टर बहुत अच्छा है तो बोलते हैं इस फिल्म में करेक्ट नहीं है किसी और में कास्ट करेंगे लेकिन ज़ायरा वसीम हमने फितूर में उसको ढूंढा था फितूर के लिए वो करेक्ट नहीं थी उसको दंगल में कास्ट किया था तो कोई भी एक्टर जो भी आप ऑडिशन देने के लिए जाते हो तो आपका कोई भी ऑडिशन सेल्फ टेप या होगी वो वेस्ट नहीं जाता वो कहीं ना कहीं काम आने वाला होता है लेकिन मेरे स्क्रिप्ट के हिसाब से जो मेरे कैरेक्टर मेरे ब्रीफ के नज़दीक होगा चाहे वो उन्नीस एक्टर हैं मैं उसको लूँगा जो क्लोज टू द कैरेक्टर है

स्टार्टिंग फ्रॉम गैंग्स ऑफ अजीपुर पंज त्रिपाठी व नेवर एन यू वन चॉइस मतलब वायज पंकज त्रिपाठी इज हेयर बिकॉज ऑफ गैंग्स ऑफ अजीपुर एंड देन इनिशली यू वन नो दैट गट टू बर नॉट कन्विंस अबाउट राजकुमार राव फॉर काय पोचे एंड देन राजकुमार राव काय पोचे डिड एवरीथिंग फॉर राजकुमार राव ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और क्योंकि माई जॉब टू ऑल्सो फाइट एंड कन्वेंस द डायरेक्टर नॉट टू सी येस टू इम एवरी टाइम वेरी लॉट ऑफ पीपल नो दैट

वो कन्वेंस कर इतना ट्रस्ट बढ़ा है ताकि वो स्कैम में प्रतीक को लिया या गगन को स्कैम टू में लिया या फैमिली में डेली क्राइम में शेफाली को लिया वो आपको खुद की पहले आपको खुद कन्विंस होना पड़ता है ताकि यू कैन कन्विंस द डायरेक्टर तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपकी जॉब का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कि पहले आप अपने आप को कन्विंस करो अबाउट द पर्टिकुलर एक्टर एंड कैरेक्टर देन कन्विंस द डायरेक्टर ऐसे बहुत सेगजाम्पल हैं जब हम बात कर रहे थे डायरेक्टर्स की क्योंकि आप लोग भी थे उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि um, right now, जब फिल्मों के लिए कास्टिंग होती है तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत हो तो स्टार पावर देखी जाती है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कास्ट एब्सोल्यूट न्यू कमर्स फॉर फिल्म बिकॉज इज अ बॉक्स ऑफिस और अ मनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व बट वेन इट इज़ फॉर ओ टी टी टूडे ओ टी टी मार्केट हैज़ बूम्ड सो मच राइट आप दोनों के लिए आप तो हर प्लेटफॉर्म के लिए कास्ट करते हो तो क्या आपको लगता है कि ओ टी टी हैज़ एटलीस्ट अलाउड यू Kind of yes, फिल्म में भी कोशिश करी आई है कितने हो सके एक्टर को लेकर आऊँ बट ओ टी टी की वजह से आई कैन ब्रिंग मोर एक्टर मोर टेक्निशियन मोर राइटर मोर डायरेक्टर आई थिंक ओ टी टी की वजह से बहुत सारे एक्टर जो हम मुझे लगता है कि आज विजय वर्मा इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एन अदर फिल्म एक्टर और हज अदीप अलावर तो आई थिंक वो सब सारे हैं ये बहुत ओ टी टी ने ही किया कि इतने सारे एक्टर हैं रसिका दुग्गल है दुग श्रेया धनवंती और श्रेया पिंगलकर दिशांत है ऑल डूइंग सच ग्रेट वर्क हम सब उनको जानते हैं बिकॉज ऑफ ओ आज जितने भी एक्टर बैठे हैं इन सबको ऑडिटी में काम मिलेगा का तो ये सब काम करें वी डोंट सी फिल्म एंड टी वी वे इक्वली हैप्पी कि हमको काम मिल रहा है आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ऑडिटिम में काम करते हुए आई एम वेरी हैप्पी कि जितने भी ऑडिटिम में काम किया है Uh, उस स्कैम की वजह से प्रतीक इज हेयर स्कैम टू द गगन इज हेयर और चाहे वो फैमिली मैन फर्जी में आप देखो तो वो अच्छा है तो एक्टर का बेस्ट चांसेस है एक्टर की मौका है कि ये माला मौका जी समय में आप हो अगर आप एवरेज एक्टर भी हो ना यू कैन सर्वाइव bollywood But of course, when she has come here, the definition of entertainment industry in Bollywood is completely different than any other around the world. of course, it's a jumble puzzle now she has started going you know she has started giving casting calls you know she's giving auditions, she's joined theater groups. I want to ask like as a casting director, what is your advice or suggestion for a new actor how they can grow and you know they can increase their chances they can increase their chances ten x to you know. Be more recognizable or like efficiently work into the industry. Thank uh, you. I don't know how to answer that to recognize. I only believe in that you keep doing theater so that you can keep improving your craft. There's no other way. I actually don't believe in a lot of acting schools, and I'm, I'm really sorry if we are making anybody feel bad because I always feel that, jitna was ho a workshops karo, और जितना हो सके थिएटर करो अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करते रहो और ऑडिशन दीजिए और ये बाकी जितने भी आपको बॉम्बे में लोग बोलेंगे कि नेटवर्किंग करो पार्टी में जाओ सोशलाइज करो ये सब कुछ काम में आने वाला है ये पता नहीं क्यों ये मिथ इस बॉम्बे में स्टार्ट हो गया नेटवर्किंग 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 इतना सुन के मैं जब से बम्बे में आया हूँ मुझे लोगों ने बोला यहाँ पर नेटवर्किंग करनी पड़ती है पार्टी करनी पड़ती है जिन लोगों ने मुझे बोला था वो आज ही पार्टी करे और मैं यहाँ पहुँच गया तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली Uh, जो भी यंगस्टर शहर में आते हैं आई ऑलवेज से दैट कि प्लीज अपने क्राफ्ट में काम करो एंड द ओनली थिंग इज दैट जिस शहर में ना बहुत जल्दी आप नेगेटिव हो जाते हो हाउ टू कीप योर मेंटल हेल्थ हैप्पी एंड पॉजिटिव तो वही आपको ज़्यादा काम दिलाएगा बाकी कुछ काम नहीं करेगा बिकॉज क्या आप बहुत जल्दी रिजेक्शन से इफेक्ट में लग जाते हो आप लगने लगता है कि जान पहचान से काम मिला होगा मुझे और कुछ करना चाहिए मुझे सडनली बाहर दिखना चाहिए मुझे एक्स्ट्रा इंप्रेस करना चाहिए कुछ नहीं करना सिर्फ आपको थिएटर करते रहना चाहिए और आप कुछ और कर भी नहीं सकते हो ऑनेस्टली आप सिर्फ काम भी कर सकते हो क्योंकि हम जिस तरह के संस्कारों से जिस तरह के काम से हमारा एक ही पर्पज़ है हम और बार बार मिडिल क्लास के हर क्लास का लड़का भी शहर के अंदर आता है उसका भी एक ही प्रोसेस होना चाहिए चाहे वो लोअर क्लास हो चाहे मिडिल अपर क्लास हो क्योंकि कलाकार का एक ही प्रोसेस है थिएटर करते रहना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट हैप्पी रहना चाहिए तो सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब जो यहाँ पे एक्टर्स बैठे हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए ही नहीं कि आप हमें मौका देते हैं एक्टिंग करने का आप हमें लेते हैं इसलिए कि आप एक अच्छे एक्टर को एक अच्छे टैलेंट को जस्टिस देते हैं इसलिए थैंक यू सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप भी एक बहुत अच्छा एक्टर है सबको मालूम है जवान देखिए ना आप लोगों ने हाँ तो ये तो अभी लेटेस्ट का वर्क है सर का और तो आप भी मतलब कास्टिंग डायरेक्टर थे ही आप लेकिन आप उससे पहले भी मुझे लगता है कि आप, आपने भी थिएटर किया है और आप भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं तो मतलब आपकी जर्नी मतलब इसमें आपका क्या मतलब कैसा था कि आप आ, एक्टर थे पहले तो आपने कास्टिंग क्यों ज्वाइन किया मतलब इसके पीछे आपका रीजन क्या था कि मैंने पहले भी बोला था बाकी गूगल कर लियो बहुत लंबा हो जाएगा अच्छा सॉरी सर क्योंकि आई टेल यू ऑनेस्टली क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा एक्टिंग में पढ़ाई था मैंने डिप्लोमा भी एक्टिंग में बोल दूं बस कि एक्टर्स के लिए लैंग्वेज बैरियर है क्या और मुंबई आना ही जरूरी है क्या ये भी नहीं एक्टर्स? मैंने मैंने उससे पहले इन तीनों का सवालों का जवाब दे दिया है अलग अलग तरीके से लेकिन फिर से बोल देता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग एक्टिंग में थी क्योंकि मुझे एन एस के अंदर कंपनी टी है नौकरी करने के लिए आपको एक्टिंग डिप्लोमा बहुत चाहिए था लकली मैंने उसमें बहुत अच्छा किया उसके बाद मैं नौकरी किया मैं हमेशा टीचिंग में था जब बम्बई आया तो मैं फिल्मों में असिस्ट करता था जब कोई एक्टर अवेलेबल नहीं होता तो डायरेक्टर मुझे घुसा देते थे तो मैं एक एक सीन करके वासीपुर लव शेटिंग खुराना शाही तो जहाँ लो, जहाँ लोग जहाँ डायरेक्टर लेते हैं इसको मिस यूज़ कर लेते मुझे डाल देते थे तो मेरा एक्टिंग एक्टर बनने का कोई ऐसा सपना है नहीं और जबकि जवान की बात रही मुझे बड़ा अच्छा लगा मुझे बोला कि शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मैं क्यों छोड़ूंगा वो खुशी के लिए किया मैंने और मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए बेटर बनाऊँ कास्टिंग के लिए बेहतर इंसान हूँ क्योंकि मैं उतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ जितना अच्छा आपको लग रहा होगा क्योंकि क्योंकि अब मेरा सेल्फ असेसमेंट अपने को लेकर बहुत अच्छा है क्योंकि मैं अच्छे एक्टर को समझ सकता हूँ देख सकता हूँ लेकिन मैं उतना अच्छा एक्टर हो नहीं तो मुझे उसको परस्यू नहीं करना था मेरा सेल्फ असेसमेंट हो गया था कि मुझे लगता था कि काम के लिए मैं शायद नहीं बनाऊँ लेकिन मुझे फिल्मों के अंदर ही रहना है तो रास्ता निकालना पड़ेगा तो भगवान ने रास्ता बना दिया है कि अभी मैं वो जरिया आऊँ ताकि मैं नए टैलेंट को वहाँ पर ले जाऊँ आपका एक सवाल था कि बॉम्बे आना बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए ये ऐसा टाइम है कि अब आप जिस भी शहर में हैं वहाँ रह के भी डिजिटल के थ्रू ऑनलाइन इतने ऑडिशन होते हैं क्योंकि मैं कोविड के बाद एक समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में इतना टैलेंट है इतना टैलेंट है तो बॉम्बे आना एक शहर में रहना एक इतना महंगे शहर में किराया देना लोगों के साथ रहना फैमिली से दूर रहना अच्छा खाना छोड़ के शहर में आना तो आई थिंक आज जहाँ भी आप रहो वहाँ पे थिएटर करते रहिए आजकल तो हम हर जगह जगह जाकर कास्टिंग करते हैं और आप ऑनलाइन ऑडिशन भेज सकते हो अगर आप अच्छे टैलेंटेड एक्टर हो ना वो शहर में रहिए आपको काम मिल जाएगा मुझे पता हर आदमी शहर में प्रैक्टिकली नहीं मूव कर सकता कोई बात नहीं जलगांव में रहो बहुत अच्छा थिएटर होता है बहुत अच्छी जगह है यार वहीं पर रहो ओके नाव ओनली टाइम फॉर आई एम नॉट इज चलो मैं सिलेक्ट मैं, मैं करने वाला होता नहीं हूँ मैं एक बोलूंगा कि आ, आपका चले बोलो पीछे जो बच्चे खड़े ना उसको तो बोलते हो तो बचपन से मेरा एक ही सपना है कि एक्टिंग करना है लेकिन जब भी किसी को बोलती हूँ कि एक्ट्रेस बनना है तो एक ही आता है कि यू डोंट हैव एनी गॉड फादर और इस इंडस्ट्री में बहुत सपोर्ट लगता है तो कभी परस्यू नहीं कर पाई अपना उनको बोलना यू हैव अ गॉड ब्रदर आपको बात बताऊँ मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अजीब लगेगा सुन के लेकिन जितने भी लोग आपको मना करते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा आपके रिश्तेदार होते हैं लेकिन जब आप कुछ बन जाते हो ना तो सबसे रिश्तेदार ही बोलते हैं मेरी फ़ोटो खींच ले एक तो डोंट वरी ये सबको सुनना मिलता है क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक होते तो रिश्तेदार तेरा मेरे को भी बोलते थे तेरा कुछ नहीं होना कितने चले आए बॉम्बे क्यों चले आए तो ये होते लेकिन आप वही बोलते हैं यार कोई सलमान के तरह फ़ोटो खिंचा देना <laughs> तो डोंट वरी आपको अगर बनना है ना तो क्योंकि हमारे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ मेरी वर्कशॉप में भी बोलता हूँ कि आपको अपने सेल्फ में काम करना है आपको अपनी फैमिली को बहुत प्यार करना है अपने आप को एजुकेट करना है इस फील्ड के बारे में और सोसाइटी के बारे में इतना नहीं सोचना है आपको जो करना मन से वही करो ये तो हमेशा ही बोलेंगे बन जाओगे तो बोलेगा बड़ी नहीं बन सकती बड़ी बन जाओगे तो अब इसके आगे क्या करेगी उसके बाद क्या करेगी ये बोलते ही रहेंगे तो ये रुकेंगे नहीं ये शहर में भी नहीं रुकेंगे हिंदुस्तान में रुकेंगे नहीं तो प्लीज़ लोग इस इतना सुनोगे उतना कम सुनोगे उतना बेटर रहेगा बाकी यहाँ पे गॉड ब्रदर तो बैठा ही हूँ मेरा ऑफिस तो खुला है सबके लिए कभी बैठे आपके साथ चांस मिल सकता है कुछ प्रोजेक्ट के लिए देखो अभी ऑफिस में आके ऑडिशन दे दीजिए वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है क्योंकि हमको सबको लगता है कि जान पहचान हो जाती है मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको एक्टिंग नहीं आती ना मैं क्या मेरे बाप क्या मेरे दादा क्या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा एंड ऑन दैट नोट आई एम जस्ट से थैंक यू मुकेश फॉर ज्वाइनिंग आस एंड नोइंगली अनोइंगली यू नो दैट टच बिलियन लाइव बिकॉज वेन साम्बडी एक होता है आर्टिस्ट होना और एक होता है आर्ट की परख होना ताकि आप आर्टिस्ट क्रिएट कर सको और आप जो कर रहे हो वो खुदा का काम है थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन एंड आई एम सॉरी गेट टू आस्क अ क्वेश्चन एक बात आपको बोलना चाहता लास्ट में अगर एक्टर नहीं भी बने ना तो दुनिया नहीं खत्म हो रही है